के घरोंडा बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों के आंदोलन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मौके पर जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव एवं पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया है। साथ ही उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि यहां पर किसी प्रकार का धरना नहीं होने दिया जाएगा। जिला उपायुक्त ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ सामाजिक संगठन यहां पर लंगर का आयोजन कर रहे थे, जिन्होंने अपनी सहमति से ही यहां से लंगर व्यवस्था को हटा दिया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा लंगर लगाने वाली संस्थाओं से अपील की गई थी कि वह कानून व्यवस्था को देखते हुए लंगर सेवा को स्थगित कर दें, जिसको देखते हुए स्वयं लंगर लगाने वाली संस्थाओं द्वारा आगे आकर यहां से की जा रही लंगर सेवा को बंद कर दिया गया है। जिला उपायुक्त ने कहा कि टोल प्लाजा पर किसी भी प्रकार का धरना करने नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए सीमा सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। पत्रकारों के पूछे गए सवाल पर जिला उपायुक्त ने बताया कि गाजीपुर जाने के लिए जो लोग इस हाईवे से गुजर रहे हैं उन पर कोई आपत्ति नहीं है, उनका मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर धरना रोकने का है। यहां हम आपको बता दें कि कुछ किसान संगठनों द्वारा गत दिवस बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर धरना प्रारंभ कर दिया गया था, जिस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन ने आज वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया है और किसान नेताओं को धरना करने से मना कर दिया है। जिला उपायुक्त ने कहा कि किसी भी किसान संगठन का उनके पास अनुरोध नहीं आया है कि वह धरना देंगे। स्वयं ही किसान संगठन कानून व्यवस्था को देखते हुए यहां से धरना प्रदर्शन बंद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि लंगर से उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर किसी सामाजिक संस्था का लंगर लगाने के लिए रिक्वेस्ट आती है तो उस पर गौर किया जाएगा, परंतु अभी तक किसी भी सामाजिक संस्था ने लंगर लगाने के लिए कोई लिखित पत्र उन्हें नहीं दिया है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार अब सख्ती के मूड में दिखाई दे रही है और टोल प्लाजा पर कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे धरनों को समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते भारी पुलिस बल एवं सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। सर, इन दाना पानी और देख पर लंगर चल रहा था, उसको भी बंद करा दिया गया। लंगर को लेकर के किसी भी तरह की हमें परेशानी नहीं है, जितने भी धार्मिक ग्रुप सामाजिक ग्रुप थे हमने सबसे उनसे आग्रह किया था हमने, क्योंकि अभी कानून व्यवस्था थोड़ी सी भंग होने का आदेश है, इसलिए वो जब तक सब स्थिति नॉर्मल ना हो जाए तब तक वो लंगर ना लगाएं, और उन्होंने हमारे आग्रह को मानते हुए क्योंकि सभी धार्मिक ग्रुप और सामाजिक संस्थाएँ सब जो है प्रशासन के साथ मिलकर उनकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनाए, तो उन्होंने हमारे आग्रह को मानते हुए अभी के लिए लंगर को स्थगित कर दिया था और अभी वही व्यवस्था चल रही है। आज हमने यहाँ से धरना ना लगाने के लिए धरने देने के लिए फोर्स किया। सर, गाजीपुर के लिए भी किसान करनाल के अलग अलग गांवों से या हरियाणा के अलग अलग गांवों से रवाना हो रहे हैं, इस तरह की सूचना आई है कि कुछ लोग रात को रवाना हुए हैं। प्रशासन को उनसे कोई आपत्ति नहीं है, जो मेन प्रशासन का आज का जो कार्य है वो ये है कि हम बस्ताड़ा टोल को बना। सर, और कोई जगह दी है इनको आप लोगों ने? सर, प्रशासन से इन्होंने डिमांड की हो किसी तरह की? किसान संगठनों की किसी भी कोई डिमांड नहीं आई है धरना शुरू करने की, अगर कोई इस तरह की बात आती है तो हम उसको विचार। सर, कुछ सस्पेक्टेड लोगों की लिस्ट बनी है सर, ऐसी जानकारी मिली है? व्यवस्था के लिए धार्मिक जो ग्रुप्स हैं उन्होंने खुद ही अभी जब तक शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती उसको सस्पेंड करने के लिए करने का फैसला लिया है। आस पास के गाँव में यहाँ पर कुछ कानून व्यवस्था खराब होने का अंदेशा था, लोगों में आपस में झड़प वगैरह होने की मिली है, जो प्रदर्शनकारी है और जो आसपास के गांव के लोग हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.